हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एशिया ऑनलाइन एजु। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कुछ राज्यों में कुछ जगहों के नाम, शहरों के नाम, घाटों के नाम, एयरपोर्ट्स के नाम या चौक्स के नाम पिछले कुछ वर्षों में चेंज हुए हैं, भारत सरकार में राज्यों में कुछ बदलाव हुए हैं, वो किस प्रकार से हैं, यानी कि बदले गए नाम कौन कौन से हैं, पहले उनका नाम क्या था और आज जो उनका प्रेजेंट में नाम क्या है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले जो इलाहाबाद था, जो कि यूपी राज्य में स्थित है, इलाहाबाद एक, तो इलाहाबाद का आजकल जो नाम है वो प्रयागराज है, जो कि यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तब से योगी जी ने इसका नाम, इलाहाबाद का नाम चेंज करके रख दिया इसका नाम प्रयागराज। क्लियर। नेक्स्ट है अपना फैजाबाद, ये भी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। फैजाबाद का जो नाम रख दिया गया है वो रख दिया है अयोध्या, जहां पर भगवान श्री राम का बहुत ही भव्य मंदिर बनने जा रहा है, नींव रख चुकी है उसकी। नेक्स्ट है अपना रायपुर। रायपुर ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वैसे तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है, तो रायपुर का जो नाम है वो बदल करके अब अटल नगर रख दिया गया है, जो कि राजधानी है इसकी। नेक्स्ट है अपना हजरतगंज चौराहा, ये यूपी में ही पड़ता है, तो इसका चौक का नाम रख दिया है अब अटल चौक, जो अपने पुराने पीछे प्रधानमंत्री जी रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आजकल हमारे बीच में नहीं है, जिनका देहांत हो चुका है, तो उनके नाम पर अटल चौक रख दिया गया है। किसको? हजरतगंज चौराहे को। नेक्स्ट है अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, एक यूपी के ही अंदर है, उत्तर प्रदेश राज्य में ही पड़ता है, तो उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही अटल पथ रख दिया गया है उस एक्सप्रेसवे का नाम। नेक्स्ट है अपना मुगल सराय जंक्शन, जो कि यूपी में ही है, उसका नाम भी बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम रख दिया गया है इसका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है अपना गोरखपुर एयरपोर्ट, जो कि यूपी से है, गोरखपुर जहां से अपने योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं, पहले सांसद थे वहां से, तो गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदल करके महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट रख दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है अपना साबरमती घाट, ये कहाँ पड़ता है? अपना गुजरात में, गुजरात जहाँ से अपने पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही अटल घाट रख दिया गया है। क्या? अटल घाट। नेक्स्ट है अपना कांदा बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है, उसका नाम चेंज करके अब हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। ओके। नेक्स्ट है अपना एक व्हीलर द्वीप है, ओडिशा में पड़ता है, उसका नाम रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं पहले, वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका भी देहांत हो चुका है, जिनको कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की ही देन है, जो आज मिसाइल के क्षेत्र में भारत बहुत ही आगे बढ़ चुका है, जो कि हमारे राष्ट्रपति जी रहे हैं, तो उसका नाम, भीलर द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट अपना गुड़गांव, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है, गुड़गांव इसका नाम था पहले, और आज इसको जो नाम से जाना जाता है वो है गुरुग्राम, इसको आजकल गुरुग्राम के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट है अगरतला एयरपोर्ट, जो कि त्रिपुरा राज्य में पड़ता है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, उस एयरपोर्ट का नाम बदल करके रख दिया गया महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट, नाम चेंज कर दिया गया इसका भी। नेक्स्ट है शिमला, शिमला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो शिमला का जो नाम है उसको कर दिया गया है अब श्यामला। क्या? श्यामला, यानी कि ये प्रस्तावित है, ये जो चारों नीचे के जो शहर हैं, ये सभी राज्य हैं, ये अभी प्रस्तावित, अर्थात इनको अभी चेंज किया नहीं गया, लेकिन भविष्य में इनके जो नाम होंगे वो इस प्रकार होंगे। शिमला का जो नाम होगा वो श्यामला होगा फ्यूचर में। नेक्स्ट है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, उसका नाम होगा कर्णावती, ये भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है अपना अलीगढ़, यूपी से है, इसका नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव हो चुका है, प्रस्तावित है, भविष्य में इसका नाम हरिगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो पश्चिम बंगाल जो राज्य है, उसका नाम बांग्ला रखना प्रस्तावित है, यानी कि ये चारों, कर्ण, श्यामला, कर्णावती, हरिगढ़ और बांग्ला।
इन चारों के नाम शिमला, अहमदाबाद, अलीगढ़ और पश्चिम बंगाल के नाम प्रस्तावित है, अर्थात अभी चेंज नहीं हुए, लेकिन भविष्य में जब भी होंगे तो ये चारों नाम इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से मैंने आज आपको बताए जो पूर्व के नाम थे और जो अब नाम नए बना दिए गए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, ये जीके के माध्यम से या किसी टेस्ट के माध्यम से भी आपको आगे याद करने पड़ सकते हैं, इसलिए इसको अभी से आप याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।